अजरबैजान और आर्मेनिया को अमेरिका की चेतावनी। पोम्पियो ने कहा रिहायशी इलाकों को निशाना न बनाएं, बेगुनाहों की हत्या बर्दाश्त नहीं। रूस के बाद आर्मेनिया को सर्बिया का साथ, सर्बिया ने की लाइव फायर वॉड्रिल। टैंक के साथ सर्बियाई सेना ने किया युद्धाभ्यास, ड्रिल में फाइटर्स ने टारगेट को उड़ाया। सर्बियाई सेना की आर्टिलरी गन और टैंक ने दिखाया दम, सर्बिया के साथ आने से आर्मेनिया की ताकत बढ़ी। आर्मेनिया को सर्बियाई समर्थन से भड़का अजरबैजान, सर्बिया को चेतावनी दी, आर्मेनिया को ना दे हथियार। रूस की बड़ी चेतावनी, युद्ध अभी रुका नहीं, अगर नहीं रुका तो भीषण तबाही होगी। काराबाख में आतंकियों की तैनाती से बड़ा खतरा। फ्रांस ने आर्मेनिया अजरबैजान से तुरंत जंग रोकने के लिए कहा, दोनों देश सीज़फ़ायर का पालन करें। आर्मेनिया के हमले में अजरबैजान का टैंक हुआ तबाह, दोनों ओर से लगातार की जा रही है भारी बमबारी। हाथरस कांड की पीएफआई एंगल से जांच करेगी ईडी, मथुरा टोल प्लाजा से गिरफ्तार चारों आरोपियों से होगी पूछताछ। हाथरस मामले में सीबीआई ने जांच तेज की, 29-30 सितंबर की रात पीड़िता के अंतिम संस्कार वाली जगह से फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किए। हाथरस कांड में सीबीआई ने पीड़िता के परिजनों के अलग अलग बैठाकर बयान दर्ज किए, बयान दर्ज करने के लिए भाई को साथ लेकर गई थी। आगरा में दबंगों ने पूर्व फौजी की पत्नी को जिंदा जला दिया, इलाज के लिए दिल्ली ले जाते वक्त मौत हुई। जंग और तबाही की वजह से काराबाग में अब तक 42 लोगों की मौत हुई, 206 घायल। नागोर्नो काराबाग पर चारों दिशाओं से हमला, शांति समझौते के बाद भी भीषण बमबारी। अजरबैजान पर आर्मेनिया का करारा प्रहार, हवा में मार गिराया अजरबैजान का एयरक्राफ्ट। आर्मेनियाई सेना ने टैंक से मचाई तबाही, अजरबैजान पर भीषण बमबारी। युद्ध के बीच ईश्वर से प्रार्थना, अजरबैजानी हमले में तबाह हुई चर्च पहुंचे श्रद्धालु, विध्वंस को रोकने की प्रार्थना की। पी चिदम्बरम ने सरकार की प्रोत्साहन पैकेज को बताया मजाक, सरकार ने खोदा पहाड़ निकाल चुका। अगले साल तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आ सकती है उछाल, आईएमएफ का अनुमान है 2021 में 8.8% जीडीपी होगी। तनिष्क के नए एडवर्टाइजमेंट पर फूटा लोगों का गुस्सा और लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तनिष्क के विज्ञापन पर कंगना का वार, कहा क्रिएटिव आतंकियों से हिंदू सावधान रहे, सभ्यता की रक्षा करें। जम्मू कश्मीर के करमाणा में सेना ने जिंदा मोर्चार निष्क्रिय किया, पाकिस्तान की सेना की तरफ से दागे गए मोर्टार। काराबाग के एक गांव पर अजरबैजान का कब्जा, गांव के बाहर अजरबैजान का T-72 टैंक तैनात। अजरबैजान ने आर्मेनिया के हथियारों पर कब्जा किया, अजरबैजानी जवान ने आर्मेनियाई हथियार दिखाए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी, दोनों देशों को भारी नुकसान। भीषण जंग में अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,045 ड्रोन और 905 टैंक तबाह। आर्मेनिया ने अजरबैजान का Sukhoi-25 फाइटर जेट मार गिराया, राख हुआ अजरबैजान का प्लेन। रूस ने फिर से जंग रोकने की अपील की, कहा अजरबैजान को ना उकसाए टर्की। एलएसी पर तैनात जवानों की स्थिति और तैयारियों को परखने के लिए संसदीय कमेटी ले जाएगी, अधीर रंजन की अगुवाई में पीएससी को परमिशन मिली। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने पर घमासान, मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। राज्यपाल ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी, कहा कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर खोलने की इजाजत दी। गवर्नर की चिट्ठी पर सीएम उद्धव का जवाब, कहा मुझे हिंदुत्व साबित करने की जरूरत नहीं। अजरबैजान के सैन्य ठिकाने पर आर्मेनिया की स्ट्राइक, आर्मेनिया ने अजरबैजानी सेना का पूरा कैंप उड़ा दिया। आर्मेनिया का बड़ा दावा, अजरबैजान के मिलिट्री ठिकानों में भारी तबाही। अजरबैजान पर आर्मेनिया का आक्रामक हमला, आग के गोले बरसा रही आर्मेनियाई सेना। अजरबैजान के एकदम में भारी बर्बादी हुई, कई गांव भीषण बमबारी से पूरी तरह से तबाह हुए। आर्मेनिया के अटैक में अजरबैजान का गांजा शहर तबाह हुआ, सामने आई बर्बादी की तस्वीर। अजरबैजान का आर्मेनिया पर हमला, सैन्य ठिकाने पर अजरबैजान का ड्रोन अटैक। तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर बोले सीएम नीतीश, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तेज प्रताप यादव ने किया नॉमिनेशन, हसनपुर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जारी किया वीडियो सॉन्ग, बताया बिहार में ईबा। बिहार चुनाव के लिए बीएसपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, मायावती, सतीश मिश्रा, भतीजे आकाश का नाम भी इसमें शामिल। नीतीश पर भड़के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कहा कोई पागल सीएम ही कह सकता है कि आरजेडी सरकार में कैबिनेट की नहीं होती थी मीटिंग। फुजली फ्रंट पर आर्मेनिया के सैकड़ों सैनिक मारे गए, सड़क पर बिखरे पड़े हैं आर्मेनियाई जवानों के शव। अजरबैजान की सेना के साथ बॉर्डर पर सीरियाई आतंकी, आतंकवादियों के निशाने पर आर्मेनियाई सेना। दोनों देशों की जंग में हदरुत इलाके में फंसे रिपोर्टर, कैमरे में जंग की भयानक तस्वीर। ईरानी सीमा पर भीषण जंग की तस्वीरें आई सामने, बच्चों को गोद में लेकर तबाही देख रहे हैं लोग। अजरबैजान का आरोप, रूस दे रहा है आर्मेनिया को हथियार, जंग नहीं रुकी तो बड़ी तबाही होगी। रूसी विदेश मंत्री का बयान, टर्की की वजह से जंग, अजरबैजान को हमले के लिए उकसा रहा है टर्की।
चुनाव से पहले जेडीयू ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। विधायक, पूर्व विधायक सहित 15 नेताओं को 6 साल के लिए निकाल दिया। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यूपी, नागालैंड और कर्नाटक में होने उपचुनाव। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद, गड़बड़ी के आरोप में चुनाव समिति से 3 नेता बाहर। जीतन राम मांझी अपने आवास पर कड़ाही में हलवा बनाते नजर आए। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का चुनाव निशान है कड़ाही। आर्मेनिया में भारतीय परिवार ने दिखाई दिलेरी, शरणार्थियों को अपने रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खिलाया। कनाडा में दिखी आर्मेनिया और अजरबैजान में नफरत, आर्मेनियन ने अजरबैजानी लोगों को पीटा। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अमेरिका का खुफिया प्लान, समंदर में अमेरिका ने बनाए न्यूक्लियर अड्डे। अमेरिका के लिए रूस की बड़ी तैयारी, रूस के घातक बॉम्बर्स से बरसाए गोले। नॉर्वे में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करेगा अमेरिका, यूएसएस जिमी कार्टर होंगे तैनात। ताइवान पर चीनी अटैक का खतरा बढ़ा, ताइवान की शांति पहल के बावजूद चीनी हरकत बढ़ी। हरियाणा के करनाल में रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी, अब तक 233 लोकेशन ट्रेस कर 150 से ज्यादा किसानों से वसूला जुर्माना। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलरामपुर में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले युवक को लाठी डंडों से थुना। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 50% डिस्काउंट के नाम पर अकाउंट से उड़ाए रुपए। ताइवान नेशनल डे के बाद चीन से तनातनी तेज हुई, ताइवान को 3 डिफेंस सिस्टम देगा अमेरिका, यूएस ताइवान डिफेंस डील का चीन ने विरोध किया। जापान के सेनकाकू आइलैंड के पास चीन की नापाक हरकत, 2 चीनी जहाजों ने समुद्री सीमा का उल्लंघन किया, जापानी कोस्ट गार्ड ने खदेड़ दिया। भारत की सैन्य तैयारी से बौखलाया चीन, बढ़ते सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर चीन के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट, भारत के नए पुल से विवाद बढ़ेगा। S-400 को और ज्यादा घातक बनाने में रूस जुटा है, डिफेंस सिस्टम में ताकतवर मिसाइलों को करेगा शामिल। S-400 सिस्टम में स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाया जाएगा, दुश्मन के किसी भी मिसाइल को गिराने में होगी सक्षम। अमेरिका बना रहा है नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दुनिया में 1 घंटे में कहीं भी हथियार पहुंचा सकेगा अमेरिका। कंधार सेक्टर में घुसपैठ की साजिश नाकाम, LOC के पास मिला हथियारों से भरा हुआ बैग। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, कहा धान खरीद में किसानों का शोषण हो रहा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर टांडा में हमला, कई घंटों तक किसानों ने घेर दिया। देश में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए केस, 706 लोगों की मौत। 11 घंटे चली बैठक में भारत की चीन को 2-2, LAC पर अप्रैल जैसी स्थिति बहाल हो, LAC से पीछे हटे चीन। जमीन पर मार खाने के बाद चीन की नई चाल, पैंगयोंग झील के अंदर निगरानी कर रहा है ड्रैगन। हाई स्पीड पेट्रोल क्राफ्ट से पैंगयोंग में साजिश, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा। हज के लिए मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है चीन, जारी किए 42 नए नियम। पाकिस्तान के CJCSC जनरल नदीम रजा ने पाक वायुसेना बेस का दौरा किया, एयर चीफ मुजाहिद खान ने तैयारियों की जानकारी। FATF रिव्यू ग्रुप की बैठक में पाकिस्तान पर फैसला, ICRG की रिपोर्ट पर FATF तय करेगा पाक का भविष्य। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 72 लाख के करीब, अब तक करीब 1,10,000 लोगों की मौत। देश में अगले साल तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी। कोरोना का दोबारा से संक्रमण बेहद घातक, मरीजों को बढ़ रही ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत। जॉनसन एंड जॉनसन ने रोका कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, 1 वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोक लगाई। तालिबान पर US अफगान फौज की स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा तालिबानी आतंकी ढेर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर, भारत खुद बनाएगा 5th जनरेशन फाइटर जेट। ट्रंप की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर से इलेक्शन कैंपेन शुरू किया। फ्लोरिडा की रैली में ट्रंप का अलग अंदाज नजर आया, डांस करते दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप को झटका लगा, नए सर्वे में बिडेन से कई राज्यों में पिछड़े। WHO चीफ ने हाई इम्यूनिटी के लिए कोरोना को फैलने देने की रणनीति पर हमला किया है, बोले ये तरीका खतरनाक है। कोरोना महामारी से कपड़ा व्यापारी परेशान, शादी के सीजन में व्यापार चौपट है। ट्रॉफी मेडल बनाने वाली फैक्ट्रीज पर कोरोना की मार, यूपी के मुरादाबाद में व्यापारी परेशान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सेना भर्ती के लिए युवाओं का जोश हाय, 301 युवक सेना में भर्ती। आतंकी का बेटा बना कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, सेना ने अधिकारी का सम्मान किया। अलीगढ़ में तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, कई लोग घायल, रिहायशी इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। क्रोएशिया में बंदूकधारी ने पुलिस अफसर पर फायरिंग कर दी, आरोपी ने घटनास्थल से भागने के बाद किया सुइसाइड। पराग्वे में भीषण आग से हजारों हेक्टेयर जंगल खाक हुआ, नदी का जलस्तर भी गिरा। अमेरिका के लुइसियाना और फ्लोरिडा में डेल्टा तूफान के वजह से 3 की मौत हुई, लाखों घरों की बिजली भी गुल।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क पार करते वक्त 4 यात्री पानी के तेज बहाव में बह गए। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के चलते 2 दिन से हो रही भारी बारिश। जम्मू में अनलॉक फेज फर्स्ट में महामाया मंदिर के दर्शन करना आसान हुआ। प्रशासन ने रोप वे सेवा की शुरुआत। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।